नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। श्रीनगर में एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों के 61 से अधिक वंचित जोड़ों का मिलन हुआ। स्थानीय गैर सरकारी संगठन वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम ने पिछले कुछ वर्षों में एक और नई सफलता हासिल की है। एनजीओ के अध्यक्ष उमरवानी ने कहा कि आज 61 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं और हम कई वर्षों से लगातार ऐसी शादियों का आयोजन कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से हम इस क्षेत्र के पहले एनजीओ बन गए हैं जो सबसे बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित करते हैं। उमर वानी के मुताबिक, हम मानवता में विश्वास करते हैं और लोगों के भारी समर्थन ने इसे संभव बनाया है। उन्होंने घाटी के सभी जिलों के जोड़ों को देखने पर अपनी संतुष्टि साझा की, भले ही उनके संप्रदाय की परवाह किए बिना इस आयोजन में उन लोगों ने भाग लिया। वानी ने 2022 के एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए ऐसे विवाहों की आवश्यकता पर जोर दिया जिसमें खतरनाक आंकड़े सामने आए थे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण ने संकेत दिया था कि जम्मू कश्मीर में लगभग 50,000 लड़कियों ने शादी की उम्र पार कर ली है, लगभग 1.5 लाख पुरुष शादी के लिए अधिक उम्र के हो गए हैं। सुनिए उमर वानी ने क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो पहले अल्लाह का करना, इंसान कोई नहीं होता है, जो कुछ करने वाली ज़ात है वो अल्लाह है, हम सिर्फ ज़रिया है। इंसान को यही समझना चाहिए कि जो कुछ कायनात में होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और मैं भी यही समझता हूँ। ये सब कुछ जो अपनी निज़ाम देख रही है अल्लाह ताला करता है, और अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाया। ये 61 बहनों की शादी हो रही है साल में, 200 की। आपने पिछली बार भी देखा, आपने शायद सारी मैस मैरिज हमारी कवर की हुई है अभी तक। ये 7 मैरिज, मास मैरिज हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर में हम पहले नंबर पे आ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा मैस मैरिज हमने किया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा लड़कियों की शादी हमारे जो इदारे के थ्रू हुई है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ 500 यूथ जुड़े हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पर आपका पुलिस देखेंगे पूरे कश्मीर से आए हुए, और हर किसी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर कोई मसलक है। कोई ये नहीं है कि शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हर कोई यहाँ पर है। अहले सुन्नत वल जमात हर कोई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये दुनिया में पहली बार हो रहा है ऐसा कि जहाँ पर हर कोई मसलक, यहाँ पर यूनिटी की भी मैसेज होती है। और यहाँ पर आपको भी बुरा लगा होगा मे बी कि हम यहाँ पर दुल्हनों की जो शक्ल है फेस है रिवील नहीं करते। हम किसी भी मीडिया पर्सन को वहाँ पर अलाउ नहीं करते कि उनकी शक्ल रिवील करें। मे बी आपको बुरा लगा, मगर उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, क्योंकि ये भी हमारी ही बहनें हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन्निकाह सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। मैंने निकाह मेरे सुन्नत में से, सुन्नत मौकदा में से हैं, और जिसने निकाह नहीं किया या निकाह की तरफ रगबत नहीं की, वो मुझ में से नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है। तो जब हम देखेंगे अपने समाज में या इस्लाम के एतबार से, निकाह की बहुत ताकीद है, क्योंकि इंसान इनफरादियत और फर्दी ज़िंदगी से बाहर आता है। एक दूसरी बात यह कि समाज में जब देखा जाए, बहुत सारे जवान या हमारे बेटियां समाज में ऐसी होते हैं जिनके माली एतबार से इतनी इनकम नहीं है कि वो शादी करें या निकाह खानी करें। तो हम देखते हैं अपने समाज में, अपने इस सोसाइटी में, जो विद हेल्पिंग हैंड की तरफ से जो ये मास मैरिज हो रही है, यानी एक इज्तिमाई निकाह खानी हो रही है, ये तो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एतबार से क्योंकि हमारे समाज में जो मुख्तलिफ़ रविश है, मुख्तलिफ़ तरीके से लोग शादियों में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इसराफकारी करते हैं। लिहाजा अगर देखा जाए अपने समाज के एक मुश्किलात, या हमारे समाज के जितने भी मुश्किलात है, एक मुश्किलात है कि हमारी शादी की जो एज हो रही है वो ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन। और इस एतबार से अगर चाहे कि इस मुअज़्ज़ल और इस मुश्किलात से समाज को नजात दे, तो ऐसी इज्तिमात, ऐसी निकाह खानियाँ हमारे समाज के लिए मुफीद हैं। और ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आसानी से निकाह पढ़ो, निकाह करो, ताकि दूसरों के लिए भी सहूलियत हो जाए। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये सारे को करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब गुरबात लोग होते हैं, यहाँ बहुत मुसीबत होती है। ये सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है, फ़र्ज़ भी होता है, सुन्नत भी होता है, इसलिए सबको करना चाहिए ये ऐसी सादगी के साथ, क्योंकि अच्छा रहेगा। यही वेलकम करता हूँ इन लोगों ने ये कदम उठाया, ये करते हैं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला इनको जजाए खैर देंगे, क्योंकि ये लोग हैं, बच्चे हैं, ये खुश हो जाएंगे इससे। और वसलाम।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।